बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी बनाना शुरू करते हैं चिकन जल फ्रीजी। एक वॉक के अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून ऑयल गर्म कर लिया है। तो अभी इसमें मैं शामिल करूंगा, मेरे पास हाफ किलो चिकन है बोनलेस, इसको मैंने इसका लंबा लंबा काट लिया है। आप चाहे तो वॉक के साथ भी चिकन इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगा जब तक बिल्कुल ब्राउन ना हो जाए। चिकन को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा सबसे पहले 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। इसको 2 से 3 मिनट में फ्राई करूंगा। तो अभी इसमें मैं शामिल कर दूंगा 2000 टमाटरों को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है, उसकी प्यूरी बना ली है। इसको भी अच्छी तरह फ्राई करूंगा चिकन के साथ। ये बहुत ही मजे की चिकन होती है, इंडो चाइनीज, चाइनीज भी कह सकते हैं, इंडो पाक भी कह सकते हैं। चावल के साथ या रोटी के साथ आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को मैंने अच्छी तरह चिकन के साथ पका लिया है। तो अभी इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। तो अभी मैं इसमें शामिल करूंगा 1 टीस्पून विनेगर और 1 टेबल स्पून सोया सॉस, तकरीबन 3 टेबल स्पून केचप, 2 से 3 मिनट तक इसको पकाऊंगा। दो से तीन मिनट पकाने के बाद अभी मैं इसमें शामिल करूंगा कुछ सब्जियां। मेरे पास 1 कप है कैप्सिकम, कलर कैप्सिकम, इसको भी मैंने चिकन की तरह लंबा लंबा काटा हुआ है, और 1 अदद मेरे पास है अनियन और 1 टमेटो, टमेटो को भी मैंने लंबा लंबा काटा है, और थोड़ा सा ग्रीन अनियन। वो सब्जियां डालने के बाद आपने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है ताकि सब्जियाँ इसके अंदर क्रंची क्रंची रह जाए। तो सिर्फ 1 मिनट पकाऊंगा इसको मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जलफ्रेजी बिल्कुल रेडी है। तो अभी मैं इसको डिश आउट कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार जलफ्रेजी रेडी है, बनाना भी बहुत आसान और फटाफट बन जाती है। आप इसको चावल या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।